गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको वॉयस का कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूँ। आपको मैंने मंत्र बताया था वॉयस का, ओम भर्भुवन इजमार स्वाहा, ओम भर्भटू वाजवेयर स्वाहा, ओम भर्भथ्री बीन स्वाहा, ओम भर्भफोर बींग स्वाहा, ओम भर्व फिफ इज एम आर स्वाहा, ओम मॉडल ऑक्सिलरी बी स्वाहा। तो यहाँ पर स्वाहा का मतलब हुआ कि थर्ड फॉर्म ऑफ मेन भर्व। तो बहुत सिंपल है ये वॉयस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, एक्टिव से पैसिव में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो किस तरह कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस आप जानते हो कि वर्ब प्लस आईएनजी जो फॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और इसको हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा टेंस जिसमें काम जारी रहने का बोध होता है। जैसे आई एम टीचिंग यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ग्रामर पढ़ाने का काम प्रेजेंट में जारी है। आई वॉज टीचिंग यू ग्रामर, मैं ग्रामर पढ़ा रहा था, पास्ट में ग्रामर पढ़ाने का काम जारी था। आई शैल बी टीचिंग यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ाता रहूँगा, तो ये फ्यूचर में काम जारी रहेगा। तो कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस टेंस से, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब प्लस आई एन जी के जगह पर बींग बी ई आई एन जी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। तो तीनों टेंस हम एक छोटा सा यहाँ पर प्रोसेस है जिसके द्वारा हम तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में। बस वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जहां पर भी होगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब मेन वर्ब होगा, तो ठीक उसी के जगह पर हम बी ई आई एन जी बींग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको यहां पर शुरू करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको जब पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा, पैसिव में ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसमें पैसिव सब्जेक्ट यानी कि इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा और उसके बाद यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी प्रेजेंट को शो करता है। तो यहां पर भी पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी का यूज करेंगे और उसके बाद में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म के जगह पर हम बींग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का एजेंट बन जाएगा। तो मैं यहां पर आपको अब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड चारों सेंटेंस में आपको बताने जा रहा हूं। एज फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव है। एज फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग ग्रामर, यहां पर मैं छोटा सा वर्क कर देता हूं, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
तो ये एक्टिव का सब्जेक्ट एम के अनुसार, आई के अनुसार एम ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर टीचिंग जो है वो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और यू ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, यहाँ पर आई के जगह पर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आई के जगह पर यू का प्रयोग करेंगे, आई के जगह पर यू। और आप जानते हो अकॉर्डिंग टू यू वी राइट आर, यू के अनुसार हम आर का यूज करते हैं, आई के अनुसार एम का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है। तो यहां पर जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा रहता है तो पैसिव में हम बीइंग प्लस वर्ब 3 का प्रयोग कर देंगे। एक और इसमें ट्रिक देखिए, इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो बी मीन्स होना, बी ऑक्सिलरी का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें आईएनजी लगा दिए तो ये फोर्थ फॉर्म हो गया। तो टीचिंग के जगह पर बीइंग और टीच का थर्ड फॉर्म का प्रयोग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। तो हमने यहां पर देखा कि टीचिंग के जगह पर हमने लगा दिया बीइंग टॉट, तो ये बीइंग टॉट टीचिंग के जगह पर यूज होगा और यू ऑब्जेक्ट यहां पर जाकर सब्जेक्ट बन गया। अब ये आई जो सब्जेक्ट है अब पैसिव में ये एजेंट बन जाएगा, आई सब्जेक्टिव केस है एक्टिव का, और जब उसको पैसिव में एजेंट के रूप में रखेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस में नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हो नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जहां पर काम नकारात्मक ढंग से होता है। एज फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, तो यहां पर यू आई की जगह पर आ जाएगा। यू आई है तो एम है, यू है तो आर हो जाएगा। नॉट नेगेटिव है, नो चेंज। उसके बाद यहां पर सॉरी टीचिंग आई एन जी फॉर टीचिंग है तो टीचिंग के जगह पर हम बीइंग और हर थर्ड टाउट और यू के जगह पर आई का हो जाएगा एजेंट के रूप में बाय मी। एक और नेगेटिव हम बताते हैं नोबडी का यूज करके। एज फॉर एग्जाम्पल नोबडी इज हेल्पिंग अस, तो यहां पर नोबडी सब्जेक्ट हो गया और ये कैसा सब्जेक्ट है तो ये वैग्यू है, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका प्रयोग एजेंट के रूप में नहीं होता है, क्योंकि नोबडी नोबडी इज हेल्पिंग अस, हम लोगों को कोई मदद नहीं कर रहा है, तो यहां पर एजेंट के रूप में कुछ अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हम लोगों को कौन मदद कर रहा है, इसलिए हम यहां पर एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। एजेंट का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर अस्पष्ट होता है कि ये काम किसके द्वारा हुआ है, लेकिन यहां तो है कि कोई भी हम लोगों की मदद नहीं करता है, तो कोई भी नहीं तो एजेंट बिल्कुल नहीं होगा। अस ये ऑब्जेक्टिव केस है, जब यहां पर पैसिव में आएगा तो अस के जगह पर हम वी का प्रयोग करते हैं और वी के अनुसार आर का यूज होगा, वी आर, क्योंकि ये नेगेटिव है नोबडी है तो नोबडी के लिए हम एक नॉट नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, वी आर नॉट। उसके बाद हेल्पिंग, हेल्पिंग के जगह पर हम आई एन जी फॉर्म लगा है, बींग का प्रयोग करेंगे, बींग हेल्प, और यहां पर एजेंट का प्रयोग नहीं होगा, नो एजेंट, क्योंकि यहां पर एजेंट जो है वो वैग्यू है, अस्पष्ट है, पता नहीं चल पा रहा है।
इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। आप समझते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। तो अगर एक्टिव में इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव में उसको हम कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, जैसे कि इज राम हेल्पिंग मी, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव है। इंटरोगेटिव का ये एक्टिव है, और इसको जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो इज ऑक्सिलरी वर्ब, राम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब फोर, और मी ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जब पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, मी जब राम के जगह पर आएगा सब्जेक्टिव केस बनकर, तो मी का आई हो जाएगा। राम है तो इसका यूज हुआ है, आई है तो एम का यूज होगा। तो राम के अनुसार इज, आई के अनुसार एम, उसके बाद हेल्पिंग है, और आप जानते हो कि यहां पर भी आई एन जी फॉर्म होगा, वहां पर हम बींग का प्रयोग करेंगे, और जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर मेन वर्ब हेल्प है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और अब इसके बाद मी है, ये मी ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन गया, और ये एक्टिव का सब्जेक्ट अब पैसिव का एजेंट बन जाएगा, चूंकि ये नेम है, नाउन है, इसलिए इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा बाय राम। अब एक इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस का हम यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आर यू नॉट, आर यू नॉट टीचिंग अस, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अस, सब्जेक्ट है यू, नॉट है नेगेटिव, टीचिंग वर्ब फोर, और एम ऑक्सिलरी, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी से शुरू होता है, और ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, यू के जगह पर हम आई का यूज करेंगे, और आप जानते हो कि प्रेजेंट में यू के अनुसार एम लगता है, फिर आई के अनुसार, यू के अनुसार आर लगता है, आई के अनुसार एम लगेगा, और नॉट है नेगेटिव वर्ड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसके बाद टीचिंग है, तो आप जानते हो कि टीचिंग के जगह पर बीइंग का प्रयोग होगा, और उसके बाद इसमें टीच लगा हुआ है, टीच का थर्ड फॉर्म डाउट हो जाएगा, और यहां पर ऑब्जेक्ट के जगह पर यू जब आएगा तो यू का भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। अब यहां पर आपको मैं बताऊं डब्ल्यू एच वर्ड, ये तो है इंटरोगेटिव वर्ड जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आपको बताने जा रहा हूं डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम क्वेश्चन पूछने में करते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड में आप देखिए, एक्टिव में व्हाट आर यू टीचिंग मी, व्हाट आर यू टीचिंग मी, यहां पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू टीचिंग मी मीन्स आप मुझे क्या पढ़ा रहे हो। अब इसमें जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो व्हाट, डब्ल्यू एच वर्ड है, आर ऑक्सिलरी है, यू सब्जेक्ट है, टीचिंग आई एन जी फॉर्म है, और मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड, यहां पर यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट बनकर पैसिव का यहाँ आ जाएगा। मी जब सब्जेक्टिव केस में होगा तो आई होगा। आई के अनुसार हम एम का प्रयोग करते हैं और कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हो उसका जगह एज इट इज रहता है। उसके बाद टीचिंग में आई एन जी फॉर्म है, तो जहाँ भी आई एन जी फॉर्म होता है तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म होगा टाओ, और फिर मी के जगह पर यू आ जाएगा। तो ये है डब्ल्यू एच वर्ड का किस तरह हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। और इसके बाद मैं आपको हु से डब्ल्यू एच वर्ड बनाना बताऊंगा, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और आप इसको अच्छे ढंग से बना सकते हो। अब हु से डब्ल्यू एच वर्ड देखिए, एक्टिव हो इज टीचिंग अस। यहां पर देखिए हु इज टीचिंग अस, यहां पर हु डब्ल्यू एच वर्ड है। देखिए डब्ल्यू एक ऐसा हु एक ऐसा डब्ल्यू एच वर्ड है जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और एक डब्ल्यू एच वर्ड के भी रूप में यूज होता है। अगर हम इसको सब्जेक्ट के डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में हम यूज करते हैं तो आप जानते हो कि डब्ल्यू एच वर्ड का प्लेस उसका जगह नहीं बदलता है, तो हु के जगह पर हु का ही प्रयोग होगा। उसके बाद इसमें है सब्जेक्ट अस, अस सब्जेक्ट है, अस यहां पर आ जाएगा, अस का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा वी, और वी के अनुसार हम आर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में टीच प्लस आईएनजी है, आईएनजी फॉर्म है, और आपको मैं बताया था कि अगर आईएनजी फॉर्म होगा तो वहां पर बीइंग प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। और चूंकि एजेंट के रूप में आपको मैंने बताया कि इसका प्रयोग हम यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड के रूप में कर रहे हैं तो वो एक सब्जेक्ट भी है, इसलिए यहां पर हम एजेंट के तौर पर बाई का प्रयोग कर देंगे। इसको अगर हम ऑब्जेक्टिव के रूप में बना रहे हैं, अगर इसको हम एक सब्जेक्ट मान रहे हैं तो हुम अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो बाई हुम हो जाता है। अगर ये सब्जेक्ट एजेंट बनता है तो बाई हुम हो जाता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के साथ साथ डब्ल्यू एच वर्ड भी है इसलिए डब्ल्यू एच वर्ड का जगह नहीं बदलता है और हु के जगह पर बाई हुम का हम प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है यहां पर वी, और वी के अनुसार प्रेजेंट में हम आर का प्रयोग करते हैं, बाई हुम आर वी। और उसके बाद में टीचिंग है तो बीइंग टॉट, तो आप यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखा और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।